दोस्तों ये रहे मेरे 1 किलो आंवला। इसका मैं मुरब्बा बनाऊंगी। इसको मैं पहले चौमिन वाले चम्मच से छेद करूंगी, फिर इनको ना मैं पानी में भिगोंगी। छानने वाला चूना डाल दिया पतीले में, 1 आंवला छेद कर दिया, डाल दिया इसमें, तो मैं और आंवले भी छेद करके इस तरह से पतीले में डालूंगी। आप लोगों को दिखाऊंगी, आप बने रहे मेरे वीडियो। ये रहा चम्मच जिससे हम चाउमीन खाते, तो इस तरह से छेद कर देना है पूरा, अच्छी तरह से पूरा इस तरह से छेद करके फिर डाल देना है इस पानी में। तो दोस्तों जैसे आप लोगों को दिखाया था छेद करना है, तो इस तरह से छेद कर देना है, कहीं भी खाली जगह नहीं छोड़नी है। देखो कलर भी कितना अच्छा आ गया। तो फिर इसको ना इस पानी में भिगो देना है 1 दिन के लिए, पानी निथार के फिर कल सुबह मैं चाशनी में मुरब्बा बना दूंगी। आप लोगों को पूरी वीडियो दिखा। दोस्तों आप लोगों को दिखाया था आंवला मैंने कल, तो ढक्कन लगा के रख दिया था। अब इनको मैं निकाल लूँगी छन्नी में। ये रही मेरी छन्नी, इसमें मैं निकाल लूँगी आंवले। तो आंवले ना इस तरह से चूने में डाल दिए थे मैंने, तो ये इस तरह से छन्नी में निकाल लेंगे, फिर इसको चाशनी में डाल। तो दोस्तों मैंने निकाल लिया आंवले, इस तरह से मैंने धो दिए इनको पानी में, तो ये थोड़ा सा सूख जाएंगे तो चाशनी में डालेंगे हम। दोस्तों पतीला में मैंने इस तरह से आंवला डाल दिए, ऊपर में चीनी डाल दी, तो ये चाशनी बनती रहेगी, तो मुरब्बा भी बनते रहेंगे। बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे। इसमें लगा देंगे हम ढक्कन इस तरह से, तो ये ना थोड़ा आधा घंटा तक थोड़ा सा हल्की आंच में चाशनी बनेगी, तो आंवले के अंदर चीनी भी घुस जाएगी चाशनी। तो थोड़ी देर से आप लोगों को मैं दिखाऊंगी मुरब्बा। तो दोस्तों फाइनली मेरे आंवले के मुरब्बा बन गए हैं। अब थाली में खाली करती हूँ मैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे बने हैं आंवले के मुरब्बा, देखने में ही टेस्टी लगे हैं। ये देख लो, काफ़ी टेस्टी बने हैं। आप लोग भी ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो इस तरह से डिब्बे में भर देंगे हम आंवले को, फिर फ्रिज में रख देंगे। तो मैंने इस तरह से डिब्बे में भर दिया है, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो इसको हम फ्रीजर में, मतलब नॉर्मल फ्रीज में रखेंगे, फ्रीजर में नहीं, तो बाहर ना फफूंदी लग जाएगी, इसलिए सुबह सुबह एक एक खाली पेट खाएंगे, ये फायदेमंद रहता है। तो दोस्तों आप लोग भी ट्राई करना, घर पे अच्छा लगता बनता है, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।